तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम वुल्वरिन की टॉप 10 कॉस्ट्यूम्स के बारे में। तो कौन कौन सी वुल्वरिन की टॉप 10 कॉस्ट्यूम्स हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जो कॉस्ट्यूम वो है द ओरिजिनल, ये 1974 में दिखाई गई थी पहली बार, और ये इसको दिखाया गया था द इनक्रेडिबल हल्क में पहली बार। वुल्वरिन की दूसरी कॉस्ट्यूम है द येलो क्लासिक कॉस्ट्यूम, ये दिखाई गई थी पहली बार 1975 में। यही वो कॉस्ट्यूम है जिसने हमको अभी तक जिसमें हमें वुल्वरिन का आइकॉनिक मास्क देखने को मिला था, और ना जाइंट साइज एक्समैन इशू वन में इस मास्क में हमें लोगन के जो लॉन्गर मास्क ईयर्स दिखे थे देखने को मिले थे। कॉस्ट्यूम नंबर 3, लोगन डिफीट्स एलियन विलेन फैंग। एलियन विलेन फैंग को लोगन हरा देता है, उसकी कॉस्ट्यूम ले लेता है एक विजय के रूप में, और उसको पहनता है एक ट्रॉफी के माफिक। कॉस्ट्यूम नंबर 4, द ब्राउन कॉस्ट्यूम, ये हमें दिखाई गई थी 1980 में। जो आर्टिस्ट जॉन बायरन है उसने वुल्वरिन को नया रीडिज़ाइन दिया था इस कॉस्ट्यूम में। लोगन के एल्यूरिंग आर्म्स हेयर दिखते थे, और शोल्डर तक कवर करती थी ये, और हाथों को छोड़ के। कॉस्ट्यूम नंबर 5, द ब्लैक कॉस्ट्यूम, यह हमें दिखाई गई थी 1988 में। इस कॉस्ट्यूम में हमें वुल्वरिन के ऊपर से लेकर नीचे तक ब्लैक ही ब्लैक दिखता था। ये कॉस्ट्यूम उसके फर्स्ट सोलो सीरीज से हटके थी थोड़ी, और शॉर्ट ग्लव्स दिखते थे इसमें वुल्वरिन के हमें। कॉस्ट्यूम नंबर 6, द फेरल कॉस्ट्यूम, यह हमें दिखाई गई थी 1966 में। लोगन जब अपनी बॉडी से एडमेंटियम लूज कर देता है लड़ते लड़ते किससे, मैग्नेटो से, तो उसके पास कुछ नहीं बचता एडमेंटियम का, उसके पास ही उसके बोन ग्लोव्स बचते हैं, और वो एक सेवेज वर्जन ऑफ वुल्वरिन दिखाया जाता है हमें इन कॉमिक्स। कॉस्ट्यूम नंबर 7, द ब्लू एंड गोल्ड कॉस्ट्यूम, यह हमें दिखाई गई थी 1991 में। और ये जो कॉस्ट्यूम है इसके जो कलर्स हैं ये लिया गया था एक्समैन की ओरिजिनल कॉस्ट्यूम से, जो 60s में दिखाई जाती थी हमें एक्समैन कॉस्ट्यूम, वहीं से लिया था इसको। तो ये हमारी ब्लू एंड गोल्ड कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम नंबर 8, द अल्टीमेट कॉस्ट्यूम, यह हमें दिखाया गया था 2000 में। और ये जो कॉस्ट्यूम है अल्टरनेट यूनिवर्स के वर्जन की वुल्वरिन की कॉस्ट्यूम है, जिसको बिल्कुल ही नया आउटफिट मिला था। सिंपल ब्लैक एंड येलो टॉप था उसका, और ब्लैक पैंट्स थी, एंड स्टाइलिश फिंगरलेस ग्लव्स थे उसके। कॉस्ट्यूम नंबर 9, द एस्टोनिशिंग कॉस्ट्यूम, ये हमको दिखाई गई थी 2004 में, और गई थी मेरी फेवरेट कॉस्ट्यूम है। लोगन ने अपने ओरिजिनल कॉस्ट्यूम को थोड़ा रिफ्रेश कर दिया था, थोड़ा मॉडर्न ट्विस्ट ला दिया था उसमें, उसने रिप्लेस करा था ब्लैक स्ट्राइप्स को येलो स्ट्राइप्स से, और उसने थोड़ा उसमें ईयर्स छोटे कर दिए थे अपने, ये जो देख ब्लैक कलर के होते हैं थोड़े छोटे कर। कॉस्ट्यूम नंबर 10, द एक्स फोर्स कॉस्ट्यूम, यह हमें दिखाया गया था 2008 में। वुल्वरिन ने टीम अप किया था एक्स फोर्स के साथ, और उसने अपने लुक को स्विच कर दिया था बिल्कुल। लोगन ने अपना ब्लैक और ग्रे स्टाइल का सूट लिया था, और ग्लोइंग रेड आइज के साथ, बहुत ही खतरनाक लग रहा था ये। है गाइस, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज गाइज़।